तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गेम बूस्टर ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उस नए अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस या भी बोल सकते हैं क्या कुछ नया किया गया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के गेम बूस्टर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पर माय अपडेट्स में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये गेम बूस्टर का एक नया अपडेट आया है। तो आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आप ऊपर तो कोई चेंजेस लिखे नहीं है क्या चेंजेस हुआ है, नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये अपडेट को कब रोल आउट किया गया। 27 जुलाई, मतलब आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जो कि ये 8 MB का अपडेट है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उन्होंने क्या दिया गया है कि अपडेट नोटिफिकेशन फॉर गेम बूस्टर। अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन है। बग फिक्स किया गया है, यहाँ पर बग्स को फिक्स आउट किया गया है और साथ में कुछ फीचर को एड ऑन किया गया है डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। मोबाइल के हिसाब से यहाँ पर कुछ नए फीचर को एड ऑन किया गया है, जो कि उन्होंने लिखा है थैंक यू द गेम बूस्टर टीम। अब इसको अगर आपको नहीं पता है कि इसको होता क्या है और इस अपडेट के बाद क्या चेंजेस आए, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट के बाद देखते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम बूस्टर को मेरा अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना होगा, यहाँ पर आपको अपना गेम लॉन्चर को ऑन कर लेना होगा। गेम लॉन्चर में जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास गेम लॉन्चर ऐसे नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है पहले एडवांस सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस फीचर में। एडवांस फीचर में जाएंगे, आपको नीचे मिलेगा गेम लॉन्चर का ऑप्शन, पहले आपको उसको इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप उसको इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्स में आपको मिल जाएगा गेम लॉन्चर, आपको उसको ऑन कर लेना है और उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद तो आपसे पूछेगा, ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है मोर में। मोर में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेम बूस्टर, आप देख रहे होंगे, आपको उसमें चले जाना है। गेम बूस्टर में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है ऐसा। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है इस अपडेट के बाद चेंजेस किया गया है वो है यहाँ पर टच प्रोटेक्शन को जोड़ दिया गया है। टच प्रोटेक्शन मतलब कि अगर आप गेम खोल रहे हो तो अननेसेसरी टच ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उसको अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसको यूज कर रहे हो गेम बूस्टर को, तो क्या क्या यहाँ पर सर्विस इनेबल हो जाए। ब्लॉक ड्यूरिंग गेम, अगर आप यहाँ पर गेम मतलब कब भी आप गेम खेलते हैं तो गेम बूस्टर क्या करता है, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सारी ब्लॉक हो जाए तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। गेजर पूरे ब्लॉक हो जाए तो उसको अलाउ कर लेना है, लाइक अलाउ कर देना है। ऑटो ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाए, मतलब ऑटो ब्राइटनेस बंद हो जाए, ऑटो ब्राइटनेस बार बार कम ज़्यादा ना हो, बिक्स भी बंद हो जाए, एज पैनल बंद हो जाए, मतलब ये आपकी गेम खेल रहे हो तो ये सब चीज़ें बंद हो जाए। इससे क्या होगा, जो आपका गेम खेलने का एक्सपीरियंस है ज़्यादा बेटर होगा और आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद नीचे ये जो नया फीचर जोड़ दिया गया है टच प्रोटेक्शन टाइम आउट, यहाँ पर अपने हिसाब से आप टाइम आउट सेट कर सकते हैं। और टच प्रोटेक्शन पावर सेविंग, मतलब पावर सेविंग में चल रहा हो मोबाइल तब भी आपका यहाँ पर ये यूज़ करे। उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट बार वाला ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहें तो शॉर्टकट बार भी लगा सकते हैं, नहीं तो हटा दीजिए। शॉर्टकट में आप में यहाँ पर टच प्रोटेक्शन दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। शॉर्टकट में अगर आप चाहते हैं कि जैसे मतलब कोई गेम अगर आपका कोई चल रहा हो उसमें थोड़ा आपका कहीं टच वच नहीं करना, या फिर आपको कुछ उसमें एक्टिविटी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉपअप पैनल खोल सकते हैं, रिकॉर्ड करना है पूरे गेम को आपको जो खेल रहे हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और टच प्रोटेक्शन चाहे तो आप वहाँ पर इनेबल कर देंगे तो इससे क्या होगा, टच प्रोटेक्शन पे आपका जो भी टच है वो काम करना बंद कर देगा तो आपका जो गेम है अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट रिजोल्यूशन, स्क्रीनशॉट जब लें तो 100% लें, आप चाहें तो उसकी ग्रोथ भी कम कर सकते हैं, 50% 25% तक आप उसका जो स्क्रीनशॉट का साइज यहाँ पर डिफर कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट में आए या HEVF फॉर्मेट में आए तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। गेम ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड बैटरी सेवर, जब गेम बूस्टर चल रहा हो तो आप मेन क्या देना चाहते हैं परफॉर्मेंस पे, तो इससे क्या होगा, जितनी भी फालतू की बैकग्राउंड में सब चीज चल रही होगी बंद हो जाएगी, पूरा रैम का फोकस आपके गेम पे आ जाएगा और गेम हैंगिंग से बचेगा। तो आप अगर गेम का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लेना चाहते हैं तो आप परफॉर्मेंस में कर दीजिए, अगर नॉर्मल लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड पे, अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो बैटरी सेवर पे कर लीजिए, बट बैटरी सेवर पे सबसे पुअर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गेम का, तो मेरे हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में रख के ही खेलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेवलप वाले ऑटो डेवलप या बोल सकते हैं अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये बैकग्राउंड में कम काम करेगा अगर आप चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर लिखा भी हुआ है यूज़ एंड एक्सपेरिमेंट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेट में इम्प्रूव सम गेम परफॉर्मेंस टेन टू कॉज हीटिंग, ये परफॉर्मेंस तो आपकी गेम की इंक्रीज कर देगा बट आपके मोबाइल वहाँ पर हीट हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो उसको इनेबल करें, नहीं तो नहीं करें।
उसके बाद बस यही नया मतलब यही फीचर है गेम बूस्टर के। इसमें एक दो मुझे नए लगे जो कि पहले नहीं थे। और अच्छे से अगर आपको जानना हो गेम लॉन्चर कैसे यूज करते हैं, उसके लिए मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि कोई मैं जैसी नहीं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।